गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, जिंदाबाद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग? विक्रांत त्यागी एस टी परिवार में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग कुशल मंगल होंगे, अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की बेहतरीन तरीके से। कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग करने वाले हैं, तो सबसे पहले अब तक की जो भी क्लासेस आप लोगों ने की हैं, सभी के जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के हैं, सभी जो भी अब तक प्रतियोगी परीक्षा है, वन टायर जो एग्जाम हुआ है, सभी से संबंधित आप लोगों के क्वेश्चन है। क्लास में कौन कौन अवेलेबल है अभी अगर बात करें तो इरफान क्लास में अवेलेबल है। बाकी चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग आज करने वाले हैं। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है तो एक बार मैंशन कर देंगे वॉइस इज़ क्लियर, ठीक है, वॉइस इज़ क्लियर, देन विल स्टार्ट अवर क्लास। फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से, चलिएगा। तो अगर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो क्वेश्चंस आज जो करने वाले हैं हम लोग, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस करने वाले हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक। क्वेश्चन को लाइक और शेयर मेरे भाई जरूर करते रहेंगे, क्वेश्चन को लाइक और शेयर जरूर करते रहेंगे। सबसे पहले केवीएस की अगर बात करते हैं, केवीएस पीजीटी पीजीटी और पीआरटी सभी के सिलेबस के अनुसार आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं। सुबह क्लासेस आप लोगों की शुरुआत हो जाती है सुबह कितने बजे से लेकर, सुबह 8 बजे से लेकर, वैसे तो सुबह क्लास आप लोगों की 5 बजे शुरू होती है करंट अफेयर की, वरना सुबह 8 बजे से लेकर रात को लगातार शाम को लगातार 7 बजे तक आप लोगों की क्लास चलती रहती है। जो कि अगर बात करें सबसे पहले विपिन सर आपकी हिस्ट्री टीजीटी पीजीटी, अगर हिंदी की बात करें निशी मैम टीजीटी पीजीटी पीआरटी, अगर करंट अफेयर की बात करें मेरे द्वारा यानी विक्रांत सर के द्वारा टीजीटी पीजीटी, वही केवीएस की रीजनिंग आपको कराएंगे संजय सर, और इंग्लिश कराएंगे रिक्की सर, सीडीपी कनिका मैम, और अगर बात करें मैथमेटिक्स सचिन सर और सोनाली मैम, अगर बात करें स्टेटिक जीएस की और पीआरटी डिजिट भी निशी मैम करेंगी हिंदी, कनिका मैम ईवीएस और संजय सर कंप्यूटर की क्लास आप करेंगे, कंप्यूटर क्लास आप लोगों की कराते हैं। तो चलिए आप लोगों तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है तो मेंशन कर देंगे कि वॉइस आप लोगों की क्लियर है ताकि पता लग सके प्रॉपर तरीके से आप लोगों की क्लास चल रही है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की बेहतरीन तरीके से, कौन कौन से पॉइंट्स हम लोग करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले अगर बात करें इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को चलेंगे, तो केवीएस पीजीटी के लिए नवीनतम पैटर्न आधारित कुछ सॉल्व प्रैक्टिस और पुस्तकें आप लोगों के लिए एसडी पब्लिकेशन की ओर से प्रस्तुत की गई हैं। इन पुस्तकों में अगर बात करें आप लोगों को वर्तमान समय के परिदृश्य को देखते हुए जो एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग सारी आप लोगों को जानकारी, यानी जो पैटर्न नया पैटर्न आप लोगों का है उसके अकॉर्डिंग इसमें आप लोगों को समावेश पूरा किया गया है। चलिए जिसमें कि अगर बात करें पीजीटी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, हिंदी, कंप्यूटर साइंस एंड ज्योग्राफी, इन सभी से संबंधित यह पुस्तकें आप लोगों की है। उसके बाद अगर बात करते हैं केवीएस पीआरटी की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक एसडी पब्लिकेशन की प्रस्तुति, जिसमें केवीएस पीआरटी के 6 सॉल्व पेपर, 5 मॉडल पेपर और 10 प्रैक्टिस पेपर आप लोगों को मिलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर चलते हैं तो आप लोगों को केवीएस टीजीटी पीजीटी की सर्वोत्तम पुस्तकों में से एक केवीएस और एनवीएस टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य शिक्षक भर्ती परीक्षा में 3000+ अभ्यास प्रश्नों का समावेश, इग्नू पर आधारित सारी पुस्तकें होंगी, इग्नू के पैटर्न पर आधारित सारी पुस्तकें हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे और आंसर बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय कृषि बाजार के संबंध में निम्नलिखित में से अगर बात करें कौन सा सत्य है, सबसे पहला पॉइंट आपके सामने है, यह एक आम ई मार्केट प्लेटफॉर्म क्या करता है प्रदान करता है। उसके बाद यह 2015 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स नीलामी के प्रावधान सम्मिलित हैं। यह विभिन्न राज्यों के लिए कई लाइसेंस प्रदान करता है। इसका सही जवाब क्या होगा फटाफट से मेंशन करेंगे, द करेक्ट आंसर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए किसी का आंसर आ रहा है, द करेक्ट आंसर इस सही जवाब क्या होगा फटाफट से बता देंगे। राष्ट्रीय कृषि बाजार के संबंध में इन ए रिलेटिंग टू नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट द फॉलोइंग, चलिए भैया सही जवाब क्या होगा चलिए देख लेते हैं। तो शुरुआत कर चुके हैं आप लोग बेहतरीन तरीके से, आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा मेरे भैया डी इज द करेक्ट आंसर। यह विभिन्न राज्यों के लिए कई प्रकार के लाइसेंस प्रदान करता है, डी
अमित मेरे भाई डी सही है, शायद नहीं डी बिल्कुल सही होगा, आपने डी बताया, डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रीय कृषि बाजार के संबंध में सिर्फ इसमें डी ही सही है। ओल्ड फेथफुल गीजर निम्नलिखित में से किस देशों में पाया जाता है? बहुत बढ़िया, ओल्ड फेथफुल गीजर निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? यूएसए, ब्राज़ील, मैक्सिको, कनाडा। यूएसए, ब्राज़ील, मैक्सिको और कनाडा। यूएसए, ब्राज़ील, मैक्सिको और कनाडा। यूएसए, ब्राज़ील, मैक्सिको और कनाडा। फटाफट, यूएसए, ब्राज़ील, मैक्सिको और कनाडा। सही जवाब क्या होगा? जल्दी, ओल्ड फेथ गीजर की बात कर रहा है। ओल्ड फेथफुल गीजर निम्नलिखित में किस देशों में पाया जाता है? चलेगा, इसका सही जवाब होगा मेरे भाई क्या? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसका सही जवाब होगा क्या होगा भैया? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यू एस और ए। यूएसए क्लियर है, यूएसए। यूएसए के अगर प्रेसिडेंट की बात करते हैं, यूएसए की किसकी बात करेंगे? यूएसए की किसकी बात करेंगे? यूएसए की सबसे पहले प्रेसिडेंट की बात करेंगे, फिर वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे, पहले प्रेसिडेंट और फिर क्या भैया मेरे भाई? वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट तो आपको पता ही है, वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन होंगे? चलिए, वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? जो बाइडेन। आंसर आना चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वो कौन हो जाएंगे? जो बाइडेन वर्तमान में प्रेसिडेंट के रूप में हो जाएंगे। चलने तो भाई धीरे धीरे क्वेश्चंस। वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वो कौन है मेरे भाई? जो बाइडेन होंगे। बहुत बढ़िया। और वीपी कौन होंगे? वाइस प्रेसिडेंट। चलिए, जोए बाइडेन। ये कमला हैरिस। नेक्स्ट, परमाणविक या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को मापने का मानक इकाई क्या है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ ए मेजरमेंट ऑफ ए मास ऑन ए एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्केल। एकीकृत परमाणु द्रव्यमान की इकाई, एकीकृत जनसंख्या, एकीकृत किलोग्राम, एकीकृत एलिमेंट द्रव्यमान इकाई। तो आंसर क्या होगा फटाफट से? द करेक्ट आंसर इज एकीकृत। हाँ बिल्कुल सही अमित मेरे भाई, बिल्कुल सही। एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई, यूनिफाइड द एटॉमिक मास यूनिट। छोटे और भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम कितने रुपए की पूंजी आवश्यकता होती है? कितने रुपए की पूंजी आवश्ययकता है? व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट फॉर ए सेटिंग अप स्मॉल एंड पेमेंट बैंक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट? 25 करोड़, 50 करोड़, 250 करोड़ और 100 करोड़। चलिए मोतीलाल जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। फटाफट से, 25 करोड़, 50 करोड़, 250 करोड़ और 100 करोड़। फटाफट से, छोटे और भुगतान बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम कितने रुपए की पूंजी की आवश्यकता होती है? व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट फॉर ए सेटिंग अप ए स्मॉल पेमेंट्स बैंक्स कैपिटल रिक्वायर? 25 करोड़, 50 करोड़, 250 करोड़ और 100 करोड़। सही जवाब क्या होगा? 100 करोड़, बिल्कुल सही, 100 करोड़ करेक्ट आंसर, 100 करोड़। चित्तौड़ की रानी पद्मनी की कहानी निम्नलिखित में किसने लिखी? बहुत बढ़िया, पद्मनी की कहानी, चित्तौड़ की रानी पद्मनी कहानी किसने लिखी? अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बरनी, मलिक मोहम्मद जैसी, सिराज ऑफिस। जल्दी फटाफट से जाएंगे, सही जवाब क्या होने वाला है? चित्तौड़ की रानी इसका आंसर था मेरे भाई। नहीं, सोच समझ के आंसर बताना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। चित्तौड़ की भैया अगर बात करते हैं, रानी पद्मनी भैया, मलिक मोहम्मद जैसी से करेक्ट आंसर। मलिक मोहम्मद जैसी याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। चित्तौड़ की रानी पद्मनी की कहानी निम्नलिखित में किसने लिखी है? तो ये मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी है, मलिक मोहम्मद जैसी। नेक्स्ट, स्थितन वासन की गुफाएं निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? स्थितवासन की गुफाएं निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? चलिए फटाफट से, तो किस धर्म से होगी? फटाफट से, जल्दी, किस धर्म से होगी? वैष्णव, शैव, बौद्ध या जैन? वैष्णव, शैव, बौद्ध या जैन, किससे होने वाली है? चलेगा क्विकली, करेक्ट आंसर इज, जल्दी,
फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और करेक्ट आंसर बताएंगे। द करेक्ट आंसर इज, चलिए चलिए सही आंसर आ रहा है, सोच समझ के आंसर बताना था रे बाबा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। किससे होगी? द करेक्ट आंसर इज जैन। किससे होगी? जैन से होने वाली है, क्लियर है? किससे होगी? जैन से होगी। नेक्स्ट, अगले पॉइंट से, निम्नलिखित दशकों में से कौन सा मूक फिल्मों के युग के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित दशकों में से कौन सा एक मूक फिल्मों के युग के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेड्स इज नाउ एज द एरा ऑफ ए साइलेंट फिल्म? 1910, 1930 से 40, 1920 से 30, 1920 से 30 और 10 से 20, 10 से 20। तो निम्नलिखित दशकों में से कौन सा मूक फिल्मों का युग जाना जाता है? मूक फिल्मों का युग जाना जाता है 1910 से लेकर 1920 का जो एरा है वो मूक फिल्मों के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना? अगर पूछे भारतीय फिल्म का पितामह किसे कहा जाता है? क्या आंसर हो जाएगा? दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के, ठीक है मेरे भाई, भारतीय फिल्म का पितामह दादा साहब फाल्के। भारतीय फिल्म का पितामह दादा साहब फाल्के, 1910 से 1920 का जो काल था मेरे भाई, दादा साहब फाल्के का वास्तविक नाम घुंडी देवराज फाल्के। दादा साहब फाल्के का वास्तविक नाम क्या मेरे भाई? घुंडी देवराज फाल्के। क्लियर? नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्म संभ्रांत स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है? लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल यूज कर ली है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन एविडेंस प्रोहिबिटेड? अनुच्छेद 20 यानी कि स्वयं अपने के खिलाफ गवाही देना प्रतिबंधित है, है ना? संविधान के किस अनुच्छेद तहत आत्म संभ्रांत स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेल्फ इंक्रीमिनेटिंग एविडेंस प्रोहिबिट? 20, 22, 17 और 31। आर्टिकल हो जाएगा 20 हो जाएगा, आर्टिकल 20 के अनुसार है, आर्टिकल 20। एक क्वेश्चन लिखेंगे, राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल में आता है? राइट टू प्राइवेसी जो आर्टिकल आएगा, आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल इसमें आएगा, 21 में आएगा राइट टू प्राइवेसी, ठीक है ना? उसके बाद फोन टेपिंग कानूनी अपराध है, आर्टिकल 21। किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट यानी आदेश जारी कर सकते हैं? अंडर विच आर्टिकल द हाई कोर्ट इंडिया कैन इशू द राइट? ये पांच प्रकार की जो रिट्स होती हैं, कितने प्रकार के रिट जारी करता है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यह पावर किसके पास? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास होती है। सुप्रीम कोर्ट करेगा आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट करेगा आर्टिकल 226 में करेगा। किसमें करेगा? आर्टिकल 226। ये रहा मेरे भाई आपका 226।
और ये होता है आठ संविधान, सुप्रीम कोर्ट करेगा आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 जिसे, आर्टिकल कौन सा करेगा, आर्टिकल 32 करेगा जिसे, 32 को, 32 को क्या बोलाते हैं मेरे भाई, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पश्चिमी यूरोप में डैगर बैंक डैश के लिए फेमस है, ठीक है मेरे भाई, द डैगर बैंक वेस्टर्न यूरोप इज अ फेमस फॉर हिमादच्छित पर्वत, जंगल, घास के मैदान और मछली पकड़ने का क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। द डैगर बैंक इन वेस्टर्न यूरोप इज फेमस फॉर हिमादच्छित पर्वत, है ना, के लिए फेमस है, जंगल के लिए फेमस है, घास के मैदान के लिए, या मछली पकड़ने के क्षेत्र के लिए, मछली पकड़ने के क्षेत्र के लिए, फटाफट से बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है मेरे भाई, ये मछली पकड़ने के क्षेत्र के लिए होगा, किसके लिए होगा, मछली पकड़ने के क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट, आधुनिक मनु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आधुनिक मनु की संज्ञा के रूप में किसने आता है, हु इज द नाउ एज अ मॉडर्न मनु, मनु वैसे मनु, मनु संहिता भारतीय संविधान की पुस्तक, भारतीय कानून की पुस्तक के रूप में जाना जाता है, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जीव मावलंकर। क्वेश्चन को इंटरलिंक करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और आंसर बताएंगे, और आंसर बताएंगे कि आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय मनु की बात कर रहे हैं, यानी कि भारतीय मनु की बात कर रहे हैं, यानी कि जिसने संविधान के बारे में एक अभूतपूर्व योगदान दिया हो, संविधान के बारे में, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, तो इसका आंसर मेरे भाई बी आर अम्बेडकर होगा, क्या होगा, बी आर अम्बेडकर इज द करेक्ट आंसर, बी आर अम्बेडकर, बी कैसे हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर, ये भारतीय संविधान का फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का पितामह, भारतीय संविधान का पितामह कौन है, बी आर अम्बेडकर है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसान बी आर अम्बेडकर जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी कौन है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी कौन है, बी आर अम्बेडकर है। बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन अगर पूछता है, जो बी आर अम्बेडकर है, बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था, बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो क्या बताओगे, कमाल कर दिया भाई आज तो, बहुत बढ़िया, बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन जो मेरे भाई वो कहाँ से हुआ था, बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो मेरे भाई पहले इनका निर्वाचन वेस्ट बंगाल के क्षेत्र से, जब वेस्ट बंगाल चला गया भैया पूर्वी पाकिस्तान में, कहाँ चला गया, ये चला गया पूर्वी पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान, तब इनका जो हुआ मेरे भाई कहाँ से हुआ, महाराष्ट्र से हुआ, महाराष्ट्र से हुआ, ठीक है, बी आर अम्बेडकर, बी आर कौन मेरे भाई, अम्बेडकर। जी वी मावलंकर, लोकसभा के पहले अध्यक्ष, लोकसभा के पहले अध्यक्ष, अध्यक्ष जी वी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, है ना, लोकसभा के पहले क्या थे मेरे भाई, अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किस प्रकार के लोकतंत्र स्थापित करना है, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करना है, व्हाट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज प्रपोज द फंडामेंटल राइट्स, राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, सभी, या आर्थिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, इसका आंसर क्या होगा, द करेक्ट आंसर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हस्तलिखित, पूरा संविधान हाथ से लिखा गया है तो उनके द्वारा यह संविधान लिखा गया था, इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, राजनीतिक लोकतंत्र। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किस प्रकार के मेरे भाई, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। वर्तमान में केंद्रीय योजना, सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLD के तहत मिलने वाली राशि कितने रुपए में है, नहीं सभी नहीं होंगे, मिलने वाली राशि कितने में होगी, मिलने वाली राशि, तो जो इसमें जो राशि मिलती है कितनी मिलती है, 5 करोड़ की राशि है, 5 करोड़ फटाफट से, खेलों में हेप्टाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, द गेम्स हाउ मैनी इवेंट्स आर देयर इन द हेप्टाथलॉन, 5, 10, 7, 8,
हेप्टा की बात करी है तो हेप्टा की बात कर दी, तो हेप्टा में कितने हुई, सात, सात हेप्टा में, सात ऑक्टा में, आठ नैनो में, नौ डेका में, दस हेप्टा सेवन, हेप्टा सेवन ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट मिशन इलेवन मिलियन किस खेल से जुड़ा है, मिशन इलेवन मिलियन किस से जुड़ा है, मिशन इलेवन किससे जुड़ा है, मिशन इलेवन मिलियन जल्दी बताएंगे फटाफट से, मिशन इलेवन मिलियन इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, विच स्पोर्ट्स, फुटबॉल, शतरंज, बेसबॉल, हॉकी, फुटबॉल, शतरंज, बेसबॉल और हॉकी, फुटबॉल इज द करेक्ट आंसर, कौन सा जाएगा, फुटबॉल आंसर होगा। अगला पॉइंट, किताबुल हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी है, किताबुल हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, हु रोट द बुक किताबुल हिंद, फाहियान, अल बरूनी, मार्को पोलो और इब्न बतूता, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, हु रोट द बुक किताब उल हिंद, फाहियान, अल बरूनी, मार्को पोलो और इब्न बतूता, इब्न बतूता, तो ये अल बरूनी, किताब उल हिंद। नेक्स्ट बी लिम्फोसाइट, इंपॉर्टेंट बी लिम्फोसाइट हमारे ब्लड में रोगाणु से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रक्षी परत का उत्पादन करते हैं, इन प्रोटीनों को कहा जाता है बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस ए प्रोटीन प्रोटेक्टिव लेयर टू फाइट माइक्रोवेव्स इन अवर ब्लड, दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड हैवी चैन, पैथोजन, एंटीबॉडीज, लाइट चैन, लाइट चैन, चलिए फटाफट से आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर, सही जवाब बताएंगे फटाफट से, जल्दी अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था मेरे भाई, फटाफट से, सिंपल सी बात है, जब बी लिम्फोसाइट की बात कर रहे हैं और हमारे ब्लड में रोगाणु से, ब्लड में रोगाणु से लड़ने के लिए एक प्रोटीन रक्षी परत उत्पादन करती है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे एंटीबॉडीज कहा जाता है, क्या कहलाएगा वो एक एंटीबॉडीज कहलाएगा, एंटीबॉडीज कहलाता है मेरे भाई, एंटीबॉडीज। नेक्स्ट मुक्त अवस्था में बिंदुओं के बीच सामान्य त्रिविमीय समाविष्ट को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द नॉर्मल थ्री डायमेंशनल स्पेस बिटवीन पॉइंट्स इन फ्री स्टेट कॉल्ड, ठीक है, मुक्त अवस्था में बिंदुओं के बीच सामान्य त्रिविमीय समाविष्ट को क्या कहता है, व्हाट इज द नॉर्मल थ्री डायमेंशनल स्पेस बिटवीन द पॉइंट्स फ्री स्टेट कॉल्ड, सेंटर्ड लैटिस, ब्रिज लैटिस, क्रिस्टल लैटिस या प्रिमिटिव लैटिस, प्रिमिटिव लैटिस, चलिए तो अवस्था बिंदुओं के बीच, चलिए मुक्त अवस्था बिंदुओं के बीच सामान्य त्रिविमीय तुम इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, व्हाट इज द नॉर्मल थ्री डायमेंशनल स्पेस बिटवीन द बिटवीन पॉइंट्स इन फ्री, चलिए सेंटर्ड लैटिस, ब्रिज लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, करेक्ट आंसर इज क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस, क्लियर है। मध्ययुगीन भारत में कारखाना शब्द का अर्थ क्या था, कोई बात नहीं, मध्ययुगीन भारत में कारखाने शब्द का अर्थ क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कारखाना इज मिडाइवल इंडिया, रथ रखने की जगह, चित्रकला गैलरी, शस्त्रगार, शाही कार्यशाला, रॉयल वर्कशॉप, मध्ययुगीन भारत में कारखाने शब्द का क्या अर्थ है, मध्ययुगीन भारत में कारखाने शब्द का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कारखाना इन मिडाइवल इंडिया, मिडाइवल इंडिया, रथ रखने की जगह, चित्रकला गैलरी, शस्त्रगार, शाही कारखाना, चलिए सभी को पता है अगर कारखाने शब्द की बात कर रहे हैं तो कारखाना शाही कार्यशाला, वर्कशॉप आ गया ना, जय हिंद, रॉयल वर्कशॉप, वर्कशॉप शब्द को पकड़ लो, वर्कशॉप, शाही कार्यशाला। भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की समूह विंग फार्म क्लस्टर
किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की समूह विंग फार्म क्लस्टर किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज इंडियाज लार्जेस्ट विंड मिल क्लस्टर विंग फार्म क्लस्टर लोकेटेड? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु। भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की समूह विंग फार्म क्लस्टर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, गुजरात में है, तमिलनाडु में है। क्या आंसर आएगा फटाफट से? द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। कहाँ पर होगी? तमिलनाडु में होने वाली है। नेक्स्ट, आवश्यक प्रतिक्रियाओं या रासायनिक प्रतिक्रिया में बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? आवश्यक प्रतिक्रिया या रासायनिक प्रतिक्रिया में बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? व्हाट इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एसेंशियल रिएक्टेंट्स ऑफ और प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन? ऑप्टोमीटर, मोनोमेट्री, स्क्वाचियोमेट्री या फोटोमेट्री? अंशु पांडे भूमिहार, गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, आवश्यक प्रतिक्रिया, इसका आंसर होगा स्क्वाचियोमीटर। स्क्वाचियोमीटर मानव आंख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन क्या कहलाता है? व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीविंग बाय द ह्यूमन आई कॉल्ड? फोटोमेट्री, ल्यूमिनेस, ल्यूमिनोसिटी या ऑप्टोमेट्री? मानव आंख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन क्या कहलाता है? व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव बाय द ह्यूमन आई इज कॉल्ड? फोटोमेट्री, ल्यूमिनेस, ल्यूमिनोसिटी या ऑप्टोमेट्री? चलिए आंसर आ गया भाई, फटाफट से। करेक्ट आंसर इज, सही जवाब क्या होगा? सभी का बी आंसर आ रहा है बच्चे, शाबाश, बहुत बड़ी, इसका आंसर होगा फोटोमेट्री। निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन सा जिसने राज्य भर के सभी घरों में रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अनिवार्य बना दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन सा है जिसने राज्य भर के सभी घरों में रूफ टॉप जल संचयन अनिवार्य बना दिया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट टू मेक ए रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी फॉर ऑल हाउस होल्ड्स अक्रॉस द स्टेट? तमिलनाडु केरल गोवा और कर्नाटक। क्या आंसर हो जाएगा? तमिलनाडु ऐसा है जिसने राज्य भर के सभी घरों में रूफटॉप वर्षा जल संचयन बना दिया, ठीक है ना। चलिए, वर्षा का जल सबसे शुद्ध वाटर, सबसे शुद्ध जल हो जाएगा रेन गेज। वर्षा को मापने वाला यंत्र कहलाता है क्या मेरे भाई? रेन गेज कहलाता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय, मानसिंह राम होगा। नेक्स्ट, 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य मिला था? इन विच स्टेट डिड द ब्रिटिश गेट सिविल राइट्स इन 1765? 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य मिला था? बंगाल, बिहार और ओडिशा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र, कर्नाटक, बंगला और आंध्र, बंगाल, आंध्र और मध्य प्रदेश? 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य में मिला था? इन विच स्टेट डिड द ब्रिटिश गेट सिविल राइट्स इन 1765? बंगाल, बिहार और ओडिशा, कहाँ पर? हाँ, मानसिंह नाम हो गया मेरे भाई, तो कहाँ पर मिला था फटाफट से बता देंगे जल्दी। बंगाल बिहार और ओडिशा। 1765 में जो दीवानी अधिकार है बंगाल बिहार और ओडिशा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट, उत्तर
पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल उत्तर पूर्व भारत में झूमिंग खेती को कहा जाता है क्या? व्हाट इज द झूमिंग फार्मिंग कॉल्ड इन अ नॉर्थ ईस्ट इंडिया? झूम कृषि, मोनोफसल प्रणाली, मिश्रित खेती प्रणाली या सिंचाई तंत्र, क्या कहा जाएगा? फटाफट से उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द झूमिंग फार्मिंग कॉल्ड इन अ नॉर्थ ईस्ट इंडिया? नॉर्थ ईस्ट इंडिया, चलिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इन्हें मेरे भाई सिर्फ शिफ्टिंग, झूमिंग खेती को सेम कंडीशन, क्या बोलेंगे मेरे भाई इसको? झूम कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी प्रतियोगिता दौड़ वाली प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है? नहीं है। इनमें से कौन सी प्रतियोगिता दौड़ वाली प्रतियोगिताओं से संबंधित नहीं है? लघु दौड़, रिले, मैराथन या ताइक्वांडो? निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता दौड़ने वाली प्रतियोगिताओं से संबंधित नहीं है? लघु दौड़, रिले, मैराथन या ताइक्वांडो? ताइक्वांडो, चलिए बताइए फटाफट से आंसर क्या आएगा, क्विकली। सिंपल सी बात है, ये एक ताइक्वांडो ही नहीं होगा। कौन सा? ताइक्वांडो नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता दौड़ने वाली प्रतियोगिता संबंधित नहीं है, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेट टू द रेस कंपटीशन? करेक्ट आंसर इज ताइक्वांडो। डिगबोई और नहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? डिगबोई एंड इन नहरकटिया ऑयल फील्ड्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? नागालैंड, असम, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश। डिगबोई पूछ लिया, डिगबोई जो शब्द है, है ना, ये जो तेल का जो क्षेत्र है, तेल क्षेत्र है, डिगबोई कहाँ पर होगा? ये असम में होगा। कहाँ पर? ये असम में होने वाला है। पहला तेल का हुआ था 1901 की बात है, 1901। डिगबोई असम। पीडीएस योजना को लक्षित पीडीएस के रूप में कब पुनर्गठित किया गया था? पीडीएस स्कीम रिकंस्ट्रक्टेड एज अ टारगेटेड पीडीएस 1997, 97, 96, 98, 99, 97, 96, 98 और 99। फटाफट से जल्दी क्या आंसर आएगा, जल्दी आंसर बताएंगे मेरे भाई, फटाफट से आंसर क्या हो जाएगा? 1997 इज करेक्ट आंसर। क्या आंसर होगा? 1997। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा शुष्क रेगिस्तान है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? पेंटागोनिया मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, थार मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? पेंटागोनिया मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, थार मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। द करेक्ट आंसर इज अटाकामा मरुस्थल। कौन सा होगा? अटाकामा। और अटाकामा का चलेगा भैया चिली, अटाकामा। रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े के पालन को किस रूप में जाना था? यानी कि रेशम कीट पालन को किस रूप में जाना था? द रियरिंग ऑफ ए सिल्क वॉर्म ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ए सिल्क फाइबर इज नाउ एज अ एपिकल्चर, ऑर्बरिकल्चर, सिल्विकल्चर, सेरिकल्चर। सेरिकल्चर सही आंसर आना चाहिए, प्रॉपर तरीके से, बेहतरीन। द करेक्ट आंसर इज सेरिकल्चर। क्या हो जाएगा? सेरिकल्चर सही जवाब होगा। रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन को किस रूप में जाता है? द रेयरिंग द सिल्क वर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए सिल्क फाइबर नाउ इज अ सेरिकल्चर। नेक्स्ट, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? झेलम, रावी, चिनाब और सिंधु। ये ध्यान रखना, भाखड़ा नागल एक साथ जुड़ता है लेकिन दोनों आगे पीछे हैं, ठीक है। भाखड़ और नागल बांध किस नदी पर बना गया है? भाखड़ा नागल डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? झेलम, रावी, चिनाब और सतलुज। झेलम, रावी, चिनाब और सतलुज, तो मेरे भाई ये किस पर? सतलुज पर है मेरे भाई। भाखड़ा नागल डैम किस पर है? सतलुज पर होगा, भाखड़ नागल डैम। नेक्स्ट, वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा मेरे भाई भारत कब आया? वास्को डी गामा जो भारत है वो कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आया था? चलिए कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान है। 88, 89, 87,
चलिए भैया, कहाँ पहुंच गए थे क्षमा चाहेंगे, आंसर क्या हो जाएगा 1498 से करेक्ट आंसर, 17 मई 1498, कहीं कहीं 20 भी मिलता है, ठीक है ना सर। तो वास्को डी गामा था है ना 17, या आप लोग 20 मई 1498 लेकर चलेंगे, है ना। एक कालीकट, कालीकट केरल, कालीकट क्या मेरे भाई, केरल, कालीकट क्या मेरे भाई, केरला। पूछता है राजा जमोरिन के दरबार, राजा जमोरिन के दरबार, जमोरिन के दरबार में राजा कौन मेरे भाई, जमोरिन के दरबार, राहुल हर हर महादेव मेरे, हर हर महादेव। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्यतः लाल शैवाल कहलाता है, लाल शैवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड इज अ रेड एल्गे, क्रिसोफेसियस, रोडोफिसी, पेओफिसी, क्लोरोफिसी, क्लोरोफिसी। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यता लाल शैवाल यानी कहलाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली कॉल्ड इज अ रेड एल्गी, क्रिसोफिसियस, रोडोफिसी, पेओफिसी, क्लोरोफिसियस। चलिए, हाँ बिल्कुल सही, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आंसर क्या होगा जल्दी बताएंगे, आंसर क्या आंसर आया, रोडोफिस, रोडोफिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ये जो एल्गी है, एल्गी में कौन से विटामिन पूछ लेता है, तो याद रखना एल्गी में जो विटामिन अगर पूछ ले तो आपको बीच का छोड़ देना है, ए और ई ध्यान रखना, तो एल्गी में ए और ई मिलेगा, ध्यान रखना एल्गी में ए और ई मिलता है मेरे भाई, ए और ई मिलता है। निम्नलिखित महाद्वीप में से कौन सा, निम्नलिखित महाद्वीप में से एटलस पर्वत स्थित है कहाँ, एटलस पर्वत कहाँ स्थित है, निम्नलिखित में से जो एटलस पर्वत है वो कहाँ पर होगा, एटलस दक्षिण अमेरिका, एशिया, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका, एटलस पर्वत कहाँ होने वाला है जल्दी बताएंगे फटाफट से, द करेक्ट आंसर इज अफ्रीका। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार किस राज्य की स्थापना की गई थी, बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया भाई, तो आप लोगों में से कोई भी इसका आंसर बता देगा आराम से, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 यानी आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ था और एक नया राज्य बना, एक नया राज्य बना, क्लियर है। तो जो आंध्र प्रदेश है इसका गठन ये भाषा के आधार पर पहला था, ये भाषा के आधार पर पहला, भाषा के आधार पर पहला, भाषा के आधार पर क्या भैया, पहला था आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला। अलग कौन सा हुआ, तेलंगाना अलग हुआ, तेलंगाना अलग हुआ 2 जून 2014, 2 जून 2014 को तेलंगाना क्या हुआ, अलग हो गया, 2 जून 2014 को अलग हो गया, कौन सा तेलंगाना जो है अलग हो गया 2 जून 2014 को, क्लियर है। और 29वें राज्य के रूप में करेक्ट आंसर इज तेलंगाना, और कौन से राज्य के रूप में 29, 29वें राज्य के रूप में हुआ, 29वें राज्य के रूप में हुआ। निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट कहा जाता है, एथेनॉल, फिनॉल, मैथेनॉल और ब्यूटेनॉल, और ब्यूटेनॉल किसे कहा जाएगा, मैथेनॉल होगा, मैथेनॉल। निम्नलिखित में किसको वुड स्प्रिट कहा जाता है, तो मैथेनॉल को वुड स्प्रिट कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य क्या है, व्हाट आर द गोल्स ऑफ ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट्स पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य क्या है, कह रहा है सामाजिक, केवल सामाजिक और राजनीतिक, केवल आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, या इनमें से कोई नहीं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्य क्या है, व्हाट आर द गोल्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका लक्ष्य क्या है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, इनका लक्ष्य है स्थापित करना, बिल्कुल सही है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन संपत्ति पब्लिक पर्स के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है, हु इज नाउ एज द कस्टडियन, कस्टडियन ऑफ ए पब्लिक पर्पज, केंद्र सतर्कता आयुक्त,
मुख्य सूचना आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या मुख्य निर्वाचन आयुक्त? मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्या आंसर होगा, फटाफट से बताएंगे। द करेक्ट आंसर इज, सही जवाब क्या होगा जल्दी बताएंगे, इसका आंसर होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, है ना, सी ए जी, सी ए और जी, क्या बोले तो आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 हो जाएगा, कौन सा जाएगा, आर्टिकल 148। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ ब्रेस्ट स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द जुड़ा हुआ है, विच विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इस टर्म ब्रेस्ट स्ट्रोक एसोसिएटेड, लघु दौड़, ऊंची कूद, शतरंज और तैराकी, शतरंज और तैराकी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी, द करेक्ट आंसर, सही जवाब बताएंगे फटाफट से, इसका सही जवाब क्या होने वाला है, इसका आंसर होगा तैराकी, ठीक है, स्विमिंग इज द करेक्ट आंसर, स्विमिंग इज द करेक्ट आंसर। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली, केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा मेरे भाई, दिल्ली, केंद्र शासित दिल्ली को राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में प्रकट किया, 69, 10, 7 और 12। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय क्षेत्र के रूप में दिल्ली के रूप में प्रकट किया, तो ये 69 अमेंडमेंट था, कौन सा था, 69 अमेंडमेंट होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, तुगलक वंश की स्थापना किसने, नर्सरी क्लास का क्वेश्चन, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, हु फाउंडेड द तुगलक, तुगलक वंश, मुबारक शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तो किसने की थी मेरे भाई, गयासुद्दीन तुगलक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी, आयकर, न्यूनतम वैकल्पिक कर और कॉरपोरेट कर, कॉरपोरेट, तो कौन सा होने का मेरे भाई, सिंपल सी बात है, इसमें जीएसटी आपको दिखाई दे रहा होगा, जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, यही होगा, यही होगा, वस्तुम जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, वस्तु सेवा कर, ठीक है ना, चलिए, जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया, असम पहला था जिसने लागू किया, असम राज्य, कौन सा, असम जो राज्य है, असम राज्य ने सबसे पहले लागू किया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कलारीपट्टू की उत्पत्ति हुई है, कलारीपट्टू की उत्पत्ति हुई है, तो कलारीपट्टू कहाँ चला जाएगा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, नहीं भैया, जो कलारीपट्टू है ये केरल, कासे केरल, कासे कलारीपट्टू, क्लियर है। नेक्स्ट, 1952 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत पदक जीता, जो आयोजित कहा था, 1952, केडी जाधव, स्वतंत्र पहला पदक, व्यक्तिगत पदक पूछा, इंडिविजुअल, बीजिंग, एथेंस, म्यूनिक और हेलेंस्की, हेलेंस्की, द करेक्ट आंसर, फटाफट से बताएंगे सही जवाब क्या होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट जवाब क्या होगा जल्दी, हेलेंस्की इज़ द करेक्ट आंसर, केडी जाधव थे वो, कौन थे, केडी जाधव जी थे, रेसलिंग, कुश्ती में था मेरे भाई, किसमें था, कुश्ती में था, और पहला गोल्ड, ये ब्रॉन्ज मेडल था, कौन सा था, ये ब्रॉन्ज था, और पहला गोल्ड, जो पहला गोल्ड है, पहला गोल्ड है अभिनव बिंद्रा, पहला गोल्ड अभिनव बिंद्रा। दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी, शुरुआत की थी, कुतुब मीनार, चलिए, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक इज द करेक्ट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह, दिल्ली से मेरे भाई कहाँ करेगा, देवगिरी, आगरा, लाहौर और हैदराबाद, फैसला किया था, दिल्ली से मेरे भाई कहाँ ले गए थे, दिल्ली से देवगिरी, दादा, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से मेरे भाई कहाँ, देवगिरी, दिल्ली से देवगिरी। नेक्स्ट, असंपीड़ित तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द फ्लो स्पीड ऑफ ए इन कंप्रेसिबल लिक्विड्स, वेंचुरीमीटर, ट्रांसड्यूसर, एनीमोमीटर, थर्मोकोपोल, तो भैया किसका इस्तेमाल किया जाएगा, द करेक्ट आंसर इज वेंचुरीमीटर, कोई भी तरल की बात करेगा तो वेंचुरीमीटर इसका आंसर होगा,
वेंचुरोमीटर। नेक्स्ट, 18वें एशियाई खेल निम्नलिखित में से कौन से, 18वें एशियाई खेलों का निम्नलिखित में से कौन सा शुभंकर नहीं था, नहीं था, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए मैस्कॉट ऑफ द 18th एशियन गेम्स, काका, बोरोबी, भिन भिन, अतुंग, अतुंग। तो कौन सा नहीं था, बोरोबी नहीं था, बाकी सब थे, बोरोबी नहीं था। आज का अंतिम प्रश्न, फूलों का मादा प्रजनन अंग, फूलों का मादा प्रजनन अंग निम्नलिखित में से कौन सा है, मोनेशिया, जयशिया, जयांग और पुंकेसर। पुंकेसर द करेक्ट आंसर इज जयांग, जयांग। ठीक है मेरे भाई, आज थोड़ा समय कम है, हिस्ट्री की क्लास आपकी स्टार्ट होगी, हिस्ट्री क्लास स्टार्ट होगी। आज का अंतिम प्रश्न था, फूलों का जो मादा प्रजनन अंग है वो कौन सा है, तो जयांग जो होगा वो प्रजनन अंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों से मिलूंगा, तब तक के लिए आ गया, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, धन्यवाद।